भगवान विष्णु ने पूर्ण तथा अंशावतार मिलाकर कुल 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से 10 पूर्ण अवतार थे। इन्हीं में से एक अवतार था मोहिनी अवतार, जो उनका अंश अवतार था। ये एकमात्र अवतार था जिसमें भगवान एक स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के हर अवतार लेने के पीछे एक उद्देश्य था। मोहिनी अवतार भी भगवान ने धर्म की रक्षा करने तथा अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से लिया था। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी अवतार लेने के पीछे क्या रहस्य था तथा इसके द्वारा उन्होंने किस उद्देश्य की पूर्ति की थी, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जब सृष्टि में महाप्रलय आई थी, तब उस समय सब कुछ जलमग्न हो गया था। इस कारण कई महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा औषधियां धरती में समा गई थी। इसके साथ ही देवताओं की शक्ति दैत्यों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण सृष्टि में अधर्म तथा पाप बढ़ गया था। इसके लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करके अमृत तथा अन्य अनमोल रत्न प्राप्त करने का आदेश दिया। इसके लिए दैत्यों की भी सहायता ली गई। इस मंथन के द्वारा वे सभी बहुमूल्य रत्न पुनः प्राप्त हुए, किंतु जब अमृत कलश निकला, तब दैत्यों ने छल से वो कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया। देवताओं ने दैत्यों से अमृत कलश पाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वे उनके सामने निर्बल थे। इसलिए थक हार कर वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। जब भगवान विष्णु को ये ज्ञात हुआ कि अमृत कलश दैत्यों के हाथ लग गया है, तो वे चिंता में पड़ गए, क्योंकि यदि दैत्यों ने वो अमृत पी लिया तो स्वयं उनके लिए उनको मारना असंभव हो जाएगा। यदि दैत्य हमेशा के लिए अमर हो गए तो उन्हें भगवान का भय समाप्त हो जाएगा। इस कारण सृष्टि में पाप, अधर्म तथा अराजकता हमेशा के लिए व्याप्त हो जाएगी तथा भगवान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस कारण भगवान विष्णु ने अपनी माया के प्रभाव से एक सुंदर स्त्री का रूप धरा, जिसका नाम मोहिनी था। इस अवतार की सहायता से उन्होंने दैत्यों का मन मोह लिया तथा उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से देवताओं को सारा अमृत पिला दिया तथा दैत्यों को सामान्य रस पिलाकर उन्हें भ्रम में रखा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी माया के प्रभाव से दैत्यों को अमृत पीने से रोक लिया था, जिस कारण सृष्टि में अधर्म कमजोर हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हो पाई। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।